Hi students, a second part of the video here. We are going to learn one thing about each of these eight planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay? First planet है. First planet जो सन के सबसे पास है उसका नाम है Mercury. So Mercury number one planet. This is Mercury. It is the nearest planet to the sun. सबसे पास वाला planet to the sun क्या है? यही है Mercury. Okay, so this is the first planet and Mercury aise dikhta hai. Second planet is Venus. Okay, second planet ka naam hai Venus. And Venus sabse brightest planet hai. Brightest matlab kya? Chamakdar planet hai. And sabse hottest planet hai. Bahut hi garma garam planet hai. Udhar koi nahi reh sakta hai kyunki itna garam hai wo. Sun jaise bahut garam hai. Okay. सो फर्स्ट वॉज मर्क्यूरी, हमने देखा सबसे पास वाला प्लैनेट. सेकेंड इज वीनस जो बहुत ही ब्राइटेस्ट एंड द हॉटेस्ट. थर्ड प्लैनेट इज माय फेवरेट प्लैनेट. थर्ड प्लैनेट इज अर्थ. अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर देयर इज लाइफ, जहां पे लोग रहते हैं, एनिमल्स रहता है, प्लांट्स है, इंसेक्ट्स है, ऐसे लाइफ जहां है वो सिर्फ अर्थ में है. और कोई भी प्लैनेट में लाइफ नहीं है, मतलब लोग नहीं है. मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, कहीं भी लोग नहीं है, सिर्फ अर्थ में लोग है. सो ऑल ऑफ अस लिव ऑन द अर्थ. सो वी हैव सीन थ्री प्लैनेट्स टिल नाउ. फोर्थ प्लैनेट है मार्स. ये मार्स है, इट्स कॉल्ड अ रेड प्लैनेट. मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट क्योंकि उधर का सॉइल है ना, मट्टी है ना, वो रेड कलर का है. कैन यू सी? रेड कलर का है, इसलिए मार्स का नाम है रेड प्लैनेट. दिस इज प्लैनेट नंबर फोर. नाउ प्लैनेट नंबर फाइव. प्लैनेट नंबर फाइव इज कॉल्ड जुपिटर. ओके, वन टू थ्री फोर. नाउ वी आर सीइंग फिफ्थ प्लैनेट जुपिटर. जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट. कैन यू सी? सन के बाद प्लैनेट में कौन सा बिगेस्ट है? सन तो स्टार है, तो प्लैनेट्स आठ प्लैनेट्स में कौन सा बिगेस्ट है? यही जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट. ओके, नाउ वी हैव सीन फाइव. नेक्स्ट इज सिक्स. सिक्स कौन सा है? सैटर्न. सिक्स इज सैटर्न. एंड सैटर्न का क्या है? सैटर्न में रिंग्स है. सैटर्न में रिंग्स है, सेवन रिंग्स. सैटर्न का प्लैनेट हैज सेवन रिंग्स. ओके, नेक्स्ट प्लैनेट दैट वी आर गोइंग टू सी इज यूरेनस. यूरेनस ब्लू कलर का है. ओके, और वो ब्लू कलर क्यों है? क्योंकि वो उधर पूरा आइस है. आइस मतलब क्या? बर्फ. पूरा ये पूरा बर्फ है. लाइक वी सॉ वीनस बहुत ही गर्मा गर्म था ना, वैसे ये यूरेनस प्लैनेट ना बहुत ही ठंडी प्लैनेट है, जहां पे बहुत आइस है. सो यूरेनस इज कॉल्ड द आइस प्लैनेट. एंड द लास्ट प्लैनेट विच इज नेपट्यून, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आइस प्लैनेट क्योंकि ये भी ब्लू कलर का है. ये दोनों ब्लू कलर का है, देख रहे हो ना, क्योंकि ये दोनों आइस प्लैनेट्स है. बिकॉज दिस इज वेरी फार अवे फ्रॉम द सन, सबसे दूर है सन से. सो जो सन के पास है वो थोड़ा गर्म रहते हैं, एंड जो सबसे दूर रहते हैं सन से वो ठंड रहते हैं. ओके, सो नेपट्यून एंड यूरेनस आर कॉल्ड एज आइस प्लैनेट्स, विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन मर्क्यूरी, विच इज द फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन नेपट्यून. ओके, एंड मैंने बोला एक नाइन्थ प्लैनेट है, जो पहले वाले टेक्स्ट बुक्स में बताया गया दैट नाइन प्लैनेट्स है. वो नाइन्थ प्लैनेट है प्लूटो. ओके, इधर एक छोटा सा, ओके, इधर एक छोटा सा प्लैनेट है जिसका नाम है प्लूटो. वो पहले उसको बोलते थे हम प्लैनेट, बट फिर साइंटिस्ट ने बोला ये तो इतना छोटा है. ओके, इतना छोटा है तो दिखता ही नहीं है, तो हम उसको प्लैनेट नहीं कहेंगे, उसको छोटा प्लैनेट कहेंगे. छोटा प्लैनेट मतलब क्या? ड्वार्फ प्लैनेट. सो दैट नाइन्थ प्लैनेट इज कॉल्ड अ प्लूटो. ओके, सो आज क्या क्या देखा हमने? आठ प्लैनेट देखा. आठ प्लैनेट मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एंड ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो देखा. एंड उनका सबका ये देखा था दैट मर्क्यूरी सबसे पास है सन का, वीनस ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट है, अर्थ इज वेयर वी लिव, मार्स रेड प्लैनेट है, जुपिटर बिगेस्ट प्लैनेट है, सैटर्न सेवन रिंग्स है उसका, यूरेनस आइस प्लैनेट है, नेपट्यून भी आइस प्लैनेट है, एंड इट इज द फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, एंड ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो इज अ वेरी स्मॉल प्लैनेट करके. अभी काव्या दीदी विल सेंड यू सोलर सिस्टम का एक्टिविटी आज, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. हैट बनाना है, कैसे बनाना है मैं नेक्स्ट इस पे बताऊंगी, कैसे बनाना है करके लिख के भेजूंगी.